बाद फिर उसके आक्रोश से सरकार टेंशन में आ गई है। एक तरफ जहां पंजाब के किसानों के दिल्ली कूच से सड़क से लेकर रेल की पटरियों तक संग्राम छिड़ गया है, तो दूसरी ओर किसान संगठनों ने कल यानी 16 फरवरी शुक्रवार को भारत बंद का ऐलान किया है। अन्नदाताओं की इस हुंकार से न केवल सरकार की परेशानी बढ़ने वाली है बल्कि आम जनता भी परेशान होने वाली है। संयुक्त किसान मोर्चा ने अन्य किसान संगठनों और किसानों से भारत बंद में शामिल होने का अनुरोध किया है। संयुक्त किसान मोर्चा और अन्य ट्रेड यूनियनों की ओर से भारत बंद बुलाया गया है, जो कल सुबह 16 फरवरी को सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। इसे लेकर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सोशल साइट एक्स पर लिखा कि देश के सभी वर्ग इकट्ठा होकर अपनी लंबित मांगों को लेकर 16 फरवरी के भारत बंद को सफल बनाने का काम करें। यानी एक ओर जहां किसानों ने ठान लिया है कि वो हर हाल में दिल्ली आएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा की पुलिस ने भी पूरे शंभू बॉर्डर को एक किले में तब्दील कर दिया है। शंभू बॉर्डर पर किसानों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव भी हुआ। हरियाणा सुरक्षा बलों ने तो किसानों को तितर बितर करने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े, लेकिन किसान दिल्ली जाने की जिद पर अड़े हैं और अब किसानों के भारत बंद के ऐलान ने टेंशन बढ़ा दी है। चलिए अब आपको बता दें कि किसानों के इस भारत बंद के दौरान क्या खुला रहेगा और क्या बंद। किसानों के देशव्यापी हड़ताल से परिवहन, कृषि गतिविधियां, मनरेगा, ग्रामीण कार्य, निजी कार्यालय, गांव की दुकानें, ग्रामीण औद्योगिक और सेवा क्षेत्र के संस्थान बंद रहने की उम्मीद है। हालांकि कुछ रिपोर्टों में ये दावा किया गया है कि हड़ताल के दौरान आपातकालीन सेवाएं जैसे एम्बुलेंस संचालन, शादी, मेडिकल स्टोर, बोर्ड परीक्षा के लिए जाने वाले छात्र आदि लोगों के प्रभावित होने की संभावना नहीं है। बता दें कि किसानों का ये गुस्सा एमएसपी की गारंटी देने वाले कानून की मांग को लेकर है, जिसे लेकर पंजाब और हरियाणा की सड़कों पर वापस आ गए हैं। और अब भारत बंद से किसान अपनी मांग को लेकर सरकार पर बड़ा दबाव बनाने के मूड में है। यानी इस बार किसान आर पार के मूड में है और अब देखना ये है कि सरकार किसानों को कैसे मनाएगी, क्योंकि चुनावी मौसम में किसानों के इस हल्ला बोल से न केवल बीजेपी वाले टेंशन में हैं, बल्कि विपक्ष को भी किसानों के बहाने सियासत का मौका मिल गया है। अब देखना है कि किसकी जिद के आगे कौन घुटने टेकता है।